हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो दोस्तों तैयार है फिर से एक आपके लिए तड़कता भड़कता आईपीएल का मैच, ठीक है। और इस मैच में, कल के मैच में भाई, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो उम्मीद करता हूं आपका लॉस तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने थोड़ी सी चलाकी दिखाई होगी तो यहाँ पे ग्राइंडिंग में भी अच्छी रैंक पाए होंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखो, गारंटीड मैं जो भी कहेगा ना कि प्रेडिक्शन गलत गई थी, आपने गलत बताया, तो भाई उस बंदे ने, मैं रियली बता रहा हूं, वीडियो पूरी नहीं देखी, ठीक है। उसका रीजन क्यों, अगर आपने वीडियो देखी मेरी पूरी, ठीक है, तो आपने दो तरह की टीम्स बनाई होंगी। जैसे मैंने कहा था आपसे कि दो तरह की टीम्स बनाना, एक टीम एटलीस्ट मनी वेस्ट वाली ऐसी बनाना जो केकेआर के फेवर हो, जिसको आप केकेआर को जिताओ, ठीक है। बट यहां तक लोग पहुंचते ही नहीं है, ठीक है, वहां तक पहुंचते नहीं है लोग वीडियो की, मतलब यहां तक देखें। यही इसीलिए कहता हूं कि यार वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करो, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ग्रैंड लीग का जो कंटेंट होता ना, ग्रैंड लीग आपकी एक तरह मतलब घोड़े की तरह यूनिक सामने देख के चलो, उससे नहीं होता। इसमें भैया चीते वाली चाल चे, इधर भी उधर भी चारों तरफ आपको ध्यान में रख के खेलना होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भाई वीडियो पूरी देखी होगी, एक अलग से टीम बनाई होगी केकेआर के फेवर में, तो भाई उनकी टीम जो है काफी अच्छी रैंक करेगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और जिन लोगों ने भैया खाली गए होंगे देख के कि चल भाई ठीक है, तो भाई उन लोगों तो लॉस सिंपल सी बात हुआ ही हुआ, क्योंकि कल प्रेडिक्शन मैच से बिल्कुल अलग हुई। कल बहुत ही बुरा मैच, मतलब एक समझ लो चमत्कार हो गया कि यहाँ पे मुंबई इंडियन को यहाँ पे हार मिली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टीम्स का, आज मैच खेलाएगा बैंगलोर और सीएसके, इनका भी आज कुछ ऐसी है। आप वीडियो स्किप करोगे, उससे पहले आपको बताऊं यहाँ पे रिकॉर्ड्स कुछ अलग है और मैच में हो कुछ और सकता है जैसे हो रहा है, ठीक है। तो करंट में चलो और रिकॉर्ड्स पे जाओ, मगर कुछ टीम्स के साथ, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे स्वागत है हमारे चैनल में। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं करी, वीडियो एंड तक जाता है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। और आज से हमारा गिव अवे स्टार्ट होने वाला है, 2x गिवे बताऊंगा आगे इसके बारे में डिटेल में। ये गिवे अलग है गाइस, क्योंकि ठीक है जो संडे में जो आएगा ना वो अलग है, वो डिफरेंट है, ये गिवे थोड़ा अलग है, देखते जाओ आगे वीडियो में कैसे, ठीक है। अच्छा खासा दोगुना पैसा अर्न करने का मैं आपको यहाँ पर मौका दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं सीएसके और बैंगलोर, इनका सबसे पहले भाई आप वीडियो स्किप करोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं इनका सीएसके के, इनके मतलब सीएसके का जो रिकॉर्ड ना, 18 मैच यहाँ पे सीएसके जीते अब तक आईपीएल में जब दोनों हेड टू हेड में खेलती है तो, और केवल 9 मैच यहाँ पे बैंगलोर जीती है, ठीक है। ये है इनका दोनों का अभी तक का रेशो आईपीएल में, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा फेवरेट यहाँ पे सीएसके की टीम रहने वाली है, बट अगर रिसेंट परफॉर्मेंस और जिस हिसाब से अभी आईपीएल में उलट पलट हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बैंगलोर भी आज का मैच जीत सकते हैं। तो कुछ टीम्स आप जाओ, 10 टीम्स बना रहे हो तो 10 में से कम 3 टीम्स आप ऐसी बनाना जो आपकी यहाँ पे बैंगलोर के फेवर में हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, रिकॉर्ड काफी ज्यादा मतलब फ्लॉप भी जा रहे हैं, तो उस चीज से थोड़ा समझ कर लेना। बस आप वीडियो स्किप भी कर लोगे आगे, आपकी मर्जी, पूरा देखोगे आपकी मर्जी, फायदा आपका होगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं, उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी बैट बॉल 11 विजन 11 से नहीं जुड़े हो, क्योंकि अभी मार्केट में सबसे बेस्ट देखा जाए, क्योंकि अदर ऐप जो है एंट्री फीस बहुत ज्यादा है, बैट बॉल 11 विजन 11 दोनों की दोनों काफी अच्छी ऐप है, ट्रस्टेड ऐप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना। यहाँ पर एंट्री फीस बहुत कम है, प्लस हमारे गिवअवे जो ये गिवअवे देख रहे हैं आपको, ये भी आपको इसी का एक हिस्सा मिलेगा, और जो संडे में जो गिवअवे होगा वो भी आपको बैट बॉल 11 का ही हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की दोनों की, बैंगलोर की बात करें 8 में से केवल 5 मैच जीते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीएसके वाले 9 में से 7 मैच जीत के अपने नंबर 1 पे बने हुए हैं। आज के मैच देखते हैं क्या होता, क्या जीतते हैं हारते हैं, रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं कि भाई सीएसके के फेवर में मैच पूरा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चेंजेस की बात करें, दोनों टीम में चेंजेस आज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से बैंगलोर की तरफ से बात करें, टिम डेविड अपने स्क्वाड में ज्वाइन कर चुके हैं, मगर आज का मैच लगता नहीं है खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्वारंटाइन रहेंगे तो आज का मैच पॉसिबल नहीं है। नवदीप सैनी यहां पर आए हैं और सचिन बेबी को जो लास्ट मैच में खेले थे वो यहां से इस बार टीम से बाहर गए हैं, ठीक है, तो ये प्लेइंग 11 में डायरेक्ट आने वाले हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट मैच जो टिम डेविड आएगा वो आपका ये हसरंगा के साथ आएगा, हसरंगा बाहर जाएगा, ठीक है। सीएसके की तरफ से बात करें, सीएसके की तरफ से डीजे ब्रेवो भैया ये टीम से बाहर है, क्योंकि इनकी जगह आ चुके हमारे सैम करन, ठीक है, तो सैम करन इस मैच में है, डीजे ब्रेवो इस टीम से बाहर है। चलिए बात करते हैं टीम्स की, गाइस मैं आपको प्लेइंग 11 के साथ साथ ही आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको प्लेयर्स पिक करने हैं, क्या आपके पिच रिपोर्ट सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलता, बस जरूरत होती है आपको वीडियो को ध्यान से देखने की, बट आप लोग वही नहीं करते हो, ठीक है, तो जरूर देखना वीडियो को पूरा। शारजहां की पिच पे मैच खेला जा रहा है, ठीक है, शारजहां की पिच आप ज्यादा बाद के रिकॉर्ड जाके देख सकते हो, 200 के स्कोर, 200 प्लस स्कोर यहाँ पे बना है फर्स्ट इनिंग में, और चेज भी हुआ है, ठीक है, तो हाई स्कोरिंग मैच है, काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, छक्कों की बरसात मिलेगी कम से कम भाई यहाँ पे। आज मेरे हिसाब से इस मैच में कम से कम 17 से 20
17 से 20 छक्के आपको नजर आ सकते हैं आज के मैच में, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा बैटिंग ग्राउंड है भाई। अगर यहाँ पर बैंगलोर बिल्कुल ही फ्लॉप चलेगी तो इसका रिकॉर्ड को ये कुछ मायने नहीं रखेगा मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए बात करते हैं विराट कोहली, नंबर वन लास्ट मैच के फ्लॉप प्लेयर, 5 रन पर चले गए थे चुपचाप, 1 चौका मार के निकल गए थे, ठीक है। तो विराट कोहली आज काफी मेरा तो मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर ज्यादा बॉलर्स के साथ ही जाऊंगा, सॉरी बैट्समैन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि पिच जो है बैट्समैन के फेवर में अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर आपको दिख सकता है। तो आप भी कोशिश ये करना ज्यादातर बैट्समैन के साथ, ऑलराउंडर्स वो जो यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद पर्टिकल है, भरत है, मैक्सवेल है, एबीडी है, हसरंगा है, जेमिसन है, हसल पटेल, सिराज, चहल और यहाँ पे नवदीप सैनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यहां से देखा जाए विराट कोहली तो आपका भैया ग्रैंड लीग का मेरे हिसाब से आज का प्लेयर बनता है, ठीक है। पर्टिकल को आप कुछ टीम्स में ड्रॉप कर सकते हो, कुछ टीम्स में रखना, ठीक है, बिल्कुल भी ड्रॉ मत करना। के एस भरत ये आपका एक ऑप्शन बनता है, ठीक है, जब इनकी टीम यानी बैंगलोर की टीम यहाँ पर चेजिंग करने उतरेगी तो आप के एस अकेले के एस भरत के साथ जाके एबीडी को ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा, एबीडी एबीडी आपको किस सिचुएशन में रखना है, ठीक है। इनका एक तो सबसे पहले अगर आपको लगेगी भाई आप देखोगे पिच रिपोर्ट देखोगे क्या बताएंगे बैटिंग है बॉलिंग है क्या है, बैटिंग के हिसाब से बताएंगे, अगर चाहे सीएसके पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे तो भी एबीडी लेने लायक प्लेयर बनता है। पहले बैटिंग करता ना तो गाइस ध्यान रखना जब जो ओवर होते हैं ना इनके 12 से लेकर 20 तक, जो 12 से 20 तक के ओवर होते हैं ना, अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन हो गई कि एबीडी और मैक्सवेल, ठीक है, और एबीडी और विराट कोहली अगर ये यहां पर टिक गए ना तो यहां पे इनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई जाता है। यानी ये 8 ओवर जो है ना, इन 8 ओवर में कम से कम ये लोग यहां पे ये मान लो कम इन 8 ओवर कम से कम ये मान के चलो कि 100 रन के आसपास यहां पे पहुंचा सकते हैं, 100 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 90 रन के आसपास का स्कोर आपको यहां पे 80 से 90 रन का स्कोर आपको यहां पे दिखा देंगे दो प्लेयर ही, ठीक है। तो यहां पे इनका स्ट्राइकर थोड़ा 12 से 20 के ओवर में काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहां पे अगर आपको लगे कि यहां पे ये ऊपर के फ्लॉप जा सकते हैं और इस नंबर पे ये लोग आ सकते हैं तो आपको उनको अपनी टीम में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद एबीडी को इसी सिचुएशन में रखना, अदरवाइज नहीं रखना है, बाकी आपकी मर्जी है। चेजिंग में तभी रखना जब हाई स्कोरिंग मैच आपको लगे और यहां से ऊपर के आपका फ्लॉप तो होंगे उसके वजह से, क्योंकि फ्लॉप होने के चांसेस काफी हाई है टॉप ऑर्डर के, ठीक है। और वैसे भी पर्टिकल आपका सेकंड इनिंग में काफी मतलब ठीक ठाक बैट्समैन रहता है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ये मामला इसका खराब जाता है, ठीक है। उसके बाद वेनुडू हसरंगा भाई आज का काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ग्रैंड लीग का मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि यहां पे ना बॉलर्स में जो है पेसर्स हो चाहे यहाँ पे क्या नाम आपका स्पिनर्स हो दोनों को बराबर हेल्प मिलती है, बट यहाँ पे जो वेनुडू हसरंगा है ना ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है आज के मैच में, ठीक है। काइल जेमिसन इनको ट्राई करो बस केवल ट्राई, ठीक है। सॉरी चहल, ये आपका चहल इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, चहल पे भी क्रॉस लगा दिया मैंने आज, ठीक है। चहल ये आपका मोस्टली रिटेन प्लेयर बनता है और बाकी ये सारे आपके रिटेन प्लेयर है, रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज ना रखना चाहो नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पे इनका थोड़ा सा डाउटफुल है। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, काइल जेमिसन, इनको मतलब एक एक ट्राई करना बस, एक टीम में एक, एक टीम में एक और एक टीम में एक, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टोटल बैंगलोर की बात। अब बात करते हैं सीएसके, सीएसके का क्या हिसाब किताब रहने वाला, थोड़ा ध्यान से सुनना। उससे पहले अपने आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से कहूंगा अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पे ड्रीम इलेवन का जो कंटेंट होता है ग्रैंड लीग का वो केवल हमारे चैनल पर मिलता है, बाकी अदरवाइज चैनल पर बता देंगे 36 चीजें, 36 आपका क्या नाम है वो स्टैट्स देंगे। तो भाई स्टैट्स में आपको नहीं देते, एक कल मेरे को कमेंट भी आया था एक बंदा का कि सर आप स्टैट्स नहीं देते, यार स्टैट्स देखे ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, और इसीलिए मैं स्टैट मेरे पास अवेलेबल सब कुछ है, आप कमेंट करो जिसका चाहिए मिल जाएगा, बट मैं यहां पे नहीं देता, क्योंकि यहां पर अगर स्टैट दूंगा ना मैं तो आप लोग खुद बोर हो जाओगे पहली बात तो वीडियो से, और दूसरी बात आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई आज किसको रखूं किसको ना रखूं। भाई एक बंदा मान लो एक में दस मार गया, अगले में 100 मार गया, फिर अगले में 80 मार गया, तीसरे में 70 मार गया, चौथे में 2 मार गया, पांचवें में 2 मार गया, छठे में 2 मार गया, उसको आप देखिए क्या रखोगे, क्या कहोगे कि भाई चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टैट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता, बड़ा आसान है स्टैट निकालना, आप भी निकाल सकते हो चाहो तो, बट मैं यहाँ पर स्टैट दूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज लोगे आप लोग खुद ही, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डुप्लीसिस, डुप्लीसिस लास्ट मैच का ये भी थोड़ा देखा जाए तो फ्लॉप प्लेयर था, कुछ खास प्रोफेंस दिया नहीं, आई थिंक 16-17 रन आई थिंक उन्होंने कहते से ज्यादा किए नहीं थे, तो आज के मैच में डुप्लीसिस आपका काम का प्लेयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गायकवाड, लास्ट मैच में आपने देखा होगा काफी तगड़ी प्रोफेंस आपको करके यहाँ पे देखी गया है, तो यहाँ पे गायकवाड़ की जगह पर आप मतलब गायकवाड़ को हरेंगे, इनकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी रही है इस आईपीएल में, तो कुछ ड्रॉप करना मगर कुछ ही टीम्स में, सारे टीम्स में ड्रॉप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ के निकाल के दे जाएगा। उसके बाद आज बात करते हैं मोइन अली,
मोइन अली आपका आज काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है, वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आज इसके बॉलिंग करने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, बॉलिंग हाई चांसेस है, प्लस बैटिंग के लिए तो आपको पता ही है किस ऑर्डर पर आता है और क्या कर सकता है, ठीक है, तो ये मोइन अली है। बाकी जो गिव अवे है 2x गिव अवे जो मैंने लिखा ना गाइस, वो मोइन अली पे ही रखा हुआ मैंने आज, अगर आपको लगे, ठीक है, केवल आपको कमेंट करना है कि भाई यहाँ पर मोइन अली आज जो है इतने पॉइंट्स आपको बैट बॉल 11 पे देने वाले हैं, ठीक है, एज ए कैप्टन हो या फिर वाइस कैप्टन, मतलब या फिर नॉर्मल जो है वो करके देखें, नॉर्मल आपको कितना पॉइंट देने वाला है जिस बंदे का भाई करेक्ट बैठ गया ना हिसाब किताब, ठीक है। मान लो भाई आपने कमेंट किया कि भाई हैशटैग जरूर लगाना, हैशटैग एम अली, ठीक है, एम अली लिख के उसके सामने इसके पॉइंट्स बता देना कितने लेगा, चाहे 100 पॉइंट्स दे, चाहे 200 पॉइंट दे, चाहे 300 पॉइंट दे, ठीक है, इसका दुगुना मिलेगा आपको, ठीक है, इसका दुगुना ये लगा लो। अगर मान लो इसने बंदे ने 100 पॉइंट आपको दिए, मान लो 100 पॉइंट आपको, भाई आपको लगा कि बैट बॉल लेन पर हमें ये बंदा आज 100 पॉइंट देने वाला है, ठीक है, तो आपने कमेंट कर दिया 100 पॉइंट। अगर भाई इस 100 पॉइंट में ना, भाई इतना मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं गिव अवे देना चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं, वो लोग होते हैं जो भाई 99 हो गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप गिव अवे नहीं जीते। अगर इस 100 के अंडर में अगर 90 अगर 95 भी रहा ना, ठीक है, अगर 95 भी रहा तो भाई वो गिव अवे का विनर होगा, ठीक है, मगर कम इससे भी नहीं, अब 90 तक यार 80 तक चल जाओ वो नहीं हो सकता, 95 यानी 5 पॉइंट कम होंगे तो चलेगा और इसका मिलेगा दुगुना अमाउंट, ठीक है, इसका गुणा कर दो 2 से, अगर 95 पॉइंट दिए तो 2 से गुणा कर लो, तुरंत अपना पेटीएम ले जाओ या फिर गूगल पे ले जाओ, ठीक है, तो ये गिव अवे आज का, अब आईपीएल में यही रहेगा हमारा, बाकी जो संडे में होगा उसकी मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो मोइन अली पे गिव अवे ध्यान रखना गाइस, मोइन अली पे पार्टिसिपेट जरूर करना क्योंकि भाई यहाँ पे बड़ा मजा आता है गिव अवे में, ठीक है। रैना और राइडू ये दोनों डाउटफुल प्लेयर हैं, ठीक है, राइडू हालांकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस आज के लिए ग्रैंड लीग के लिए, मैं केवल राइडू को ही कहूंगा, रैना को नहीं कहूंगा, इनका थोड़ा डाउटफुल है, यहाँ पे क्या होना, इन तीनों में से जो भी आउट होगा या तो मोइन अली आएगा वन डाउन, ठीक है, वन डाउन है तो मोइन अली को भेज देंगे, अदरवाइज हो सकता है ऐसे राइडू को भी वन डाउन यहाँ पे भेज दें, ये होता है, आप सीएसके के मैचेस उठा के देख लो आपको पता चल जाएगा, राइडू को वन डाउन आ सकता है तो राइडू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फील होता है। रैना को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आज, ना ही ग्रैंड लीग के लिए, ना ही हेडटू हेड 3 मेंबर के लिए, क्योंकि इस बंदे का डाउन खिसकने में टाइम नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जडेजा आपके यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिए, ठीक है, तो गाइस 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए, वेनेडू हसरंगा हो गए, चहल हो गए, मोइन अली हो गए और यहाँ पे जडेजा हो गए, ठीक है, धोनी को मैं नहीं कहूंगा। उसके बाद यहाँ पे सैम कुरान, ठाकुर, चहल और हेजलवुड, इनमें से आपको वही जो मैंने इनके साथ बताया आपको करना है, एक एक ट्राई कर लेना है, जिसको आप जो आपको पसंद हो कि भाई हाँ, और सरदुल ठाकुर को थोड़ा ज्यादा करना क्योंकि यहाँ पे सरदुल ठाकुर ना रन तो दे जाता है पर विकेट भी निकाल के ले जाता है, ठीक है, सरदुल ठाकुर का यही है। बाकी सैम कुरान को भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा बोल रहे, हालांकि ओपनिंग आएगा, अगर आप यहाँ पे बैंगलोर को जिता रहे हो कि यहाँ पे बैंगलोर जीतेगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा सैम कुरान को रखने का, अगर यहाँ से आप पर्टिकल विराट कोहली इनमें से किसी को ड्रॉप कर रहे हो तो सैम कुरान का आपका फायदा है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना इन बातों को क्योंकि आप यार पता नहीं कौन सी स्पीड से देखते हो, स्किप करने की जल्दी में रहते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं टीम नंबर 1 और 2 को, मैं आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरह से मेरा टीम नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन रहा है। विकेट कीपर में केएस भरत को रखा हुआ है इस टीम में, ठीक है, विराट कोहली है, मैक्सवेल है, उसके बाद यहाँ पे राइडू को रखा है, डुप्लेसिस को रखा और यहाँ पे गैकवाड को रखा हुआ है, ठीक है। जडेजा, मोइन अली, ऑलराउंडर में केवल 2 प्लेयर रखे हुए, चहल हो गए, सिराज हो गए और यहाँ पे ठाकुर हो गए, ये 3 प्लेयर मेरे बॉलर्स में यहाँ पर रहने वाले हैं। इस टीम में कैप्टन की बात करूं, कोहली बना रखा है, वाइस कैप्टन यहाँ पे क्या नाम आपका मैक्सवेल बना रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं टीम नंबर 2 का, 2 हमारे क्या कॉम्बिनेशन रहा है, एबीडी विकेट कीपर में रहेंगे, केएस भरत को हमारे टीम से बाहर कर दिया है, ठीक है, और डायरेक्ट आप देख रहे हो मैंने कैप्टन बनाया हुआ है, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना एवीडी सीधा कैप्टन रहेगा, मगर केएस भरत बाहर रहेगा, पर्टिकल बाहर रहेगा, क्योंकि भाई जब ये आउट होंगे तभी तो भाई हमारे ये प्लेयर एवीडी खेलने आएंगे, अगर ये आउट ही नहीं होंगे तो ये खेलने आएंगे, भाई सोच अपनी होती है क्योंकि सोचना पड़ता है तभी ग्रैंड लीग आपकी बनती है, ठीक है। एवीडी को रखा हुआ है सीधा कैप्टन बनाया हुआ है, कोहली को रखा हुआ है, राइडू को रखा हुआ है और डुप्लेसिस को अपनी टीम में फिर से रखा हुआ है, यहां से वेनेडू हसरंगा को ट्राई कर रखा है, जडेजा रखा है, मोइन अली रखा है और सैम कुरान रखा है। सैम कुरान को इसीलिए रखा मैंने यहाँ पे कि यहां से ये बंदा केएस भरत, पर्टिकल इनमें से किसी को भी निकाल के हमारे पॉइंट्स जरूर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे चहल है, सिराज है और ठाकुर है। कैप्टन की बात करें एबीडी और वेस्ट कैप्टन की बात करें राइडू को मैंने अपनी टीम में ट्राई करेगा। अब यहाँ पर आप ग्रैंड लीग में बाकी टीम्स में क्या कर सकते हो, कोशिश करना गाइज टॉप ऑर्डर में से जाने के लिए एज ए कैप्टन, चाहे विराट कोहली हो गए, मैक्सवेल हो गए, एवीडी हो गए, यहां से बात करें डुप्लेसिस हो गए, गैकवार्ड हो गए, मोइन अली हो गए,
काफी ज्यादा ऑप्शन है, राइडू हो गए, ठीक है, ये ज्यादा, और कोशिश करना आज बैट्समैन और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर मैंने आपको बता दिया कौन जो टॉप ऑर्डर में करेगा वो, और जो यहाँ पे बॉलिंग के तीन से चार ओवर करने की उम्मीद पूरी हो। मोइन अली पास थोड़ा उम्मीद अच्छी है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो गाइस ये था टोटल हमारा एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर कोई कमी हो तो कमेंट कर देना, और भाई जिसको स्टैट्स चाहिए हो वो भी मैसेज कर देना यार, मैं तो पर्सनली अपना व्हाट्सअप नंबर देके पूरे स्टैट्स आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप स्टैट्स के हिसाब से टीम बनाना चाहते हो बना सकते हो, बट उस चीज का कोई फायदा नहीं होता है, कंफ्यूज हो गए अपना दिमाग खुद ही खराब कर बैठोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या नाम है टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और बैट बॉल पे जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाओ, फायदा आप लोगों का है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ फायदा आपको मिलते हैं अदर ऐप के मुकाबले, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शाम को मिलता है टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।